दिल्ली के आंबेडकर नगर विधानसभा में कांग्रेस नेता जयप्रकाश सिसोदिया ने आंबेडकर नगर विधानसभा में हो रहे विकास कार्य को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और बताया कि मौजूदा विधायक और पार्षद की मिलीभगत से विकास कार्यों के नाम पर विधानसभा की जनता को लूटने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता जयप्रकाश सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये डॉक्टर आंबेडकर नगर में जो आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद, मुझे नहीं पता उनके बीच में आपस में क्या चल रहा है, उसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, 40 साल पुरानी से भी ज़्यादा ये मार्केट है, सब्जी मंडी। यहाँ डेली कमाना और डेली खाने वाले काम है, मगर इनकी दुकानें तोड़ दी, इधर पूरी सारी दुकानें उजाड़ दी। इन्हीं के मार्केट में से कई माँ बाप ऐसे हैं, मेरे पास आए, कह रहे मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा कैसे? कह रहे एक तो मेरी मार्केट में मेरी दुकान थी वो तोड़ दी, उसके बाद मेरे बच्चे सामने स्कूल में पढ़ते हैं डॉक्टर बीआर अंबेडकर आदर्श विद्यालय में, वो सील कर दिया, तो मैं तो कहीं का नहीं रहा। तो उन माँ बापों के लिए मैं आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ, और कई अंबेडकर नगर में कई ऐसे खुलासे हैं जो मैं करने के लिए पीसी मैंने आज रखी है, यहाँ मेरा ऑफिस है, वहाँ रखी है। पर मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अंबेडकर नगर में इतना बुरा हाल है, उस पर कार्रवाई नहीं है, जैसे राशन कार्ड, पेंशन, और ये जो बारिश है सावन का महीना, इसके बाद बारिश के अंदर, बारिश के होने के बाद सामने जहाँ जहाँ जो इनकी ड्रेनेज सिस्टम है सब बिल्कुल टोटली जीरो। विधायक और निगम पार्षद पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मार्केट तोड़ दी, स्कूल सील करा दिया, क्या कारण रहा होगा, क्या वजह है, क्यों तोड़ना चाहे तोड़ी उन्होंने ये मार्केट? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आज उनका पेट खाली है, आप समझिए वो, क्योंकि क्या होता है शीशे की गवाही में वो कहावत है ना, तो बस वही वाली बात है। आज इनको सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम करना है, गरीबों से कोई मतलब नहीं है। क्या 650 से ज़्यादा बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं? क्या उनके माँ बापों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया क्या? आज उनको बिल्कुल तार तार करने का काम किया है, उनको बर्बाद करने का काम किया है, वो किसने किया है? लेकिन दिल्ली सरकार शिक्षा की बात करती है, शिक्षा मॉडल की बात विदेशों में होती है, और आप कह रहे हैं कि उन्हीं के निगम पार्षद, उन्हीं के विधायक स्कूल सील करा दिया। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा की बात जो आपने बोली है, शिक्षा की इनकी जो सबसे बड़ी पोल है, आप खुद जाइए, सामने सील लगी हुई है उसको दिखाइए, सबसे बड़ा सिस्टम तो वहाँ है। दूसरी बात, यहाँ प्राइवेट स्कूलों में जो फीस है, आप कई माँ बापों से पूछिए कि कितना उनको पैसा देना पड़ता है, तो ये तो उनकी हालत है। मैं देखिए ज़्यादा बात तो मैं आपको ऑफिस में करूँगा, बट मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ, आज लोग क्या करेंगे, कौन है इनका मसीहा? आप क्या चाहते हैं? देखिए मैं चाहता हूँ, मैं मेरी केंद्र से ये दरख्वास्त है, केजरीवाल जी से दरख्वास्त तो मैं कर नहीं सकता, वो जेल में है, उन्होंने जो शायद उनके ऊपर आरोप लगे हैं या सिद्ध हैं नहीं है, जो उनका काम देख रहा है, मैं उनसे बोल सकता हूँ कि आप जल्द से जल्द ये मार्केट बनाने का काम करें, उस स्कूल में जो सील लगी है उस स्कूल की सील को हटाने का काम करें। और मैं केंद्र से बोलूँगा कि सबसे बड़ी बात, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें सिर्फ अंबेडकर नगर में कोई पोस्ट कॉलोनी नहीं है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं। ये दुकानें जो टूटी है कितने समय पहले यहाँ बनी थी, क्योंकि अवैध कंस्ट्रक्शन में इसे देखिए 40 साल पुराने, मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ कैमरे के साथ, 40 देखिए 40 साल पुरानी ये मार्केट है, और लगभग 50 साल पुराना वो स्कूल है। इसमें कितनी ही सरकारें चेंज हुई है, सरकारें आती जाती रहती हैं, मगर इस तरीके का कभी भी कार्य नहीं किया गया। यही लोग वो हैं जो पहले दुकानें लगवाते हैं और फिर उनसे पैसे हटने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए इनकी क्या गलती है, ये कौन सा ऐसा सोने चांदी का काम करते हैं, सब्जियां बेचने का काम करते हैं, और डेली खाना और डेली कमाना और डेली पेट भरना, क्या इनकी ये गलती है या गरीब होना पाप है? मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, सरकार और मैं LG साहब से कहना चाहता हूँ,
इसमें हस्तक्षेप करें और जो दोषी हैं उन्हें दोषियों को सजा देने का काम करें। मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले वक्त, देखिए मांग अगर पूरी नहीं हुई, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि मांग हमारी जो है वो सिर्फ यही है कि गरीबों को बसाने का काम करें।